सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, आप ये जानना चाहते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी उसका क्या मतलब है, और जो उन पर हमला किया गया, उनको जान से मारने की, गला काटने की धमकी दी गई, उस पर क्या है। मैं आपको बताऊं कि ये प्रतिज्ञाएं संविधान बनाने वाले बाबा साहब ने स्वयं अपने मुख से दोहराई हैं, और 1956 में दीक्षा देने के बाद ये प्रतिज्ञाएं दी थी, ताकि हमारे भोले भाले लोग, बौद्ध तो हो रहे हैं ये, फिर मंदिरों में और ब्राह्मणों के चुंगल में ना फंस जाएं, इसलिए उन्होंने स्पष्ट लोगों को शपथ दिलाई थी। 1956 से लेकर के 2022 तक लगभग लाखों बार इन प्रतिज्ञाओं का पठन पाठन हुआ है। वही काम राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपने कार्यक्रम में 5 अक्टूबर को किया था, और इसके बाद यही कार्यक्रम 9 अक्टूबर को हमारे द्वारा लखनऊ में दोहराया गया, इसके बाद जम्मू कश्मीर में, सूरत में, बंबई में, अब हम पटना में, मेरठ में, आजमगढ़ में, बांदा में, और पूरे जयपुर में, हर जगह, अभी औरंगाबाद हम लोग महाराष्ट्र में जा रहे हैं, हर जगह इस 22 प्रतिज्ञाओं को दोहरा रहे हैं। अगर मेरे 22 प्रतिज्ञा दोहराने से किसी को तकलीफ होती है, किसी का भावनाएं आहत होती हैं, तो हमने भावनाएं आहत होने का ठेका नहीं ले रखा है। मेरा काम है, मैं कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैं शराब नहीं पीता, अब शराब बनाने वाली फैक्ट्री, शराब बेचने वाले ठेके मेरा विरोध करें तो आखिर मैं क्या कर सकता हूं। ये मेरा अधिकार है, संविधान ने मुझे दिया है कि मैं नहीं मानता। मैंने किसी का अपमान नहीं किया है और ना ही किसी का अपमान करने की मेरी मंशा है। दूसरा, जिन बाबाओं ने राजेंद्र पाल गौतम जी का सर काटने की घोषणा की है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बाबा हैं या बदमाश हैं, गुंडे हैं, क्या है वो? और अगर वो सर काटने की बात कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बौखला गए हैं, वो डर गए हैं, और निशाना बिल्कुल ठीक जगह लगा है। उनकी दुकान बंद हो रही है, मंदिर में चढ़ावा कम हो गया है, इसलिए वो ऐसी बौखलाहट में बात कर रहे हैं। ये संविधान, मैं चाहता हूँ, मैं संविधान का सम्मान करता हूँ, पुलिस का सम्मान करता हूँ, बाबा को पुलिस देखेगी, संविधान देखेगा। लेकिन अगर ऐसा राजेंद्र पाल जी के साथ हुआ तो देश, भारत के 100 करोड़ लोग चुप नहीं बैठेंगे, बदला लिया जाएगा और आपसे लड़ा जाएगा। देखिए आदरणीय केजरीवाल जी को मैं पहले से ही, बीजेपी और आप में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही आइडियोलॉजी की पार्टियां हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि बहुसंख्यक भारत में हक वंचित जहां ज्यादा हों, जहां बहुजन ज्यादा हों, वहां वामनवादी लोग, मनवादी लोगों की, दोनों की पार्टियां चल रही हैं और खूब चलती चली जा रही हैं। हालांकि एससी ओबीसी के लोग, मुसलमान के लोग धोखा खा गए हैं, ये समझ नहीं पाए कि केजरीवाल हरी घास में हरा सांप है। ये ऐसा सांप है कि जो दिखाई नहीं देता है और ये डस लेता है। तो हालांकि आज जब केजरीवाल ने ये बयान दिया, इस्तीफा ले लिया और करेंसी पर लक्ष्मी गणेश लाने की बात कही, तो देश भारत का जो माइनॉरिटी है, जो मुसलमान है, वो आम आदमी पार्टी में वोट कर रहा था, बहुजन दे रहा था, ये सब हट गए हैं। अब कहीं भी आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी, कोई इसे वोट नहीं देगा। इसके बदले में हम और अन्य पार्टियों को वोट दे सकते हैं, लेकिन अब इसे वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये व्यक्ति बीजेपी का रिचार्ज निकला है और एक ही जैसा निकला है। 33 करोड़ देवी देवता भारत में हैं इन बामनों के, फिर भी छोटा सा पाकिस्तान हमला कर देता है। लक्ष्मी गणेश के करेंसी पर फोटो छापने से करेंसी पावरफुल नहीं हो जाएगी। मैं बताना चाहता हूं, अंधविश्वासी लोगों, पाखंडी लोगों, जनता को मूर्ख मत बनाओ। कोई भी मुसलमान देवी देवता की पूजा नहीं करता, फिर भी अरबपति होता है। अमेरिका में एक भी हनुमान का मंदिर नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर है। तुम्हारे पास तो 3300 देवी देवता है, फिर भी तुम गुलामी दूसरे की कर रहे हो, फिर भी पाकिस्तान जैसे छटाक देश से तुम डर रहे हो। ये लोगों को डराते हैं, मूर्ख बनाते हैं, ताकि इनकी दुकानें चलती रहें, लेकिन अब लोग जाग रहे, इनकी दुकानें चलने वाली नहीं है। एक्चुअली इनका करेंसी कसाई की दुकान पर भी जाएगा, इनका करेंसी लोग थूक लगा करके गिनेंगे, तो आखिर इनकी भावनाएं याद नहीं होती। ये लोग अपने माता पिता को, अपने देवी देवता को भी वोट बैंक में यूज कर लेते हैं, इतने ये नालायक लोग हैं। ये इस कदर मतलब सत्ता के भूखे लोग हैं कि अपने देवी देवताओं को नहीं छोड़ना चाहते, उनको भी करेंसी पे ला करके भोले भाले तथा कथित हिंदुओं के वोट लेकर के मजे काटना चाहते हैं।
मैं आपको बताऊं, अगर 1.5 लाख लोग भी मारे जाते तब भी मोदी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती, क्योंकि बहुरूपी आदमी है, उसको कोई लोगों से मरने जीने से कोई उसे मतलब नहीं है, बस कुर्सी उसे प्यारी है और वो जिस पाठशाला से आता है उस पाठशाला में दया करुणा कोई नाम की चीज नहीं है। वहां तो लोगों को मारो काटो और हिंदूमय ब्राह्मणमय देश कर दो, यही सिखाया जाता है। इसलिए गरीब आदमी के मरने से, एससी ओबीसी माइनॉरिटी के मरने से मोदी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और मोदी तो देखिए एक मुखौटा है, ये नफरत फैलाने वाले संगियों की सरकार है। कल मोदी जब बूढ़ा हो जाएगा तो आरएसएस वाले किसी दूसरे मोदी को लेके आएंगे। बात नफरत करने वाले लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं, इन्हें अमन चैन से, गंगा जमजम की संस्कृति से और धर्मनिरपेक्ष भारत से कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी गुजरात में हमारे लोगों को हमने बता दिया है, ये बहुरूपिया आदमी, इसको एक वोट नहीं देना और एक भी इसे वोट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केजरीवाल को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। इसका कोई अंदरूनी समझौता है, ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपस में एक दूसरे के साथ चाय पीते हैं, एक दूसरे के साथ बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, वो बंदो बनिया है, मिलकर के पूरे देश को लूटना चाहते हैं। अब जनता जान गई है दोस्त और दुश्मन कौन है, अब इनको वोट नहीं बल्कि इनको फटकार दी जाएगी। जो इनको हराएगा उसी को वोट जाएगा, जो इनको हराएगा उसी को वोट जाएगा, अब बटना नहीं होगा। देखिए देश भारत में मुसलमानों पे जो टारगेट होता है वो ये नहीं होता कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, वो टारगेट इसलिए किया जाता है कि कुछ गधे टाइप के लोग हैं जो हिंदू जबरदस्ती बने बैठे हैं, जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनको इस तरह से धर्म की अफीम पिला दी गई है, इस तरह से धर्म की उसे भांग पिला दी गई है कि सोते हिंदू, मरते हिंदू, जीते हिंदू, हिंदू चिल्लाता रहता है। पूछो तुम्हारे प्रोफेसर कितने हैं, वो चुपचाप रह जाएगा। पूछो एमएलए तुम्हारे कितने, चुपचाप रह जाएगा। पूछो व्यापार तुम्हारे लोगों कितना, चुपचाप रह जाएगा। पूछो मंदिरों पर हिस्सेदारी कितनी मिली, अभी मैंने पूछा राम मंदिर में तुम्हें सदस्य क्यों नहीं बनाएगा, चुपचाप हो जाएगा। ये मुसलमानों को टारगेट इसलिए करते हैं कि मूर्ख हिंदू को मजा आता है, खुशी मिलती है, इसलिए टारगेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए संविधान का भारत है और ये संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका भी है और सारी मीडिया है, सब कुछ है। मैं चाहता हूं कि ये जैसा आजम खां के साथ हुआ है ऐसा अन्य नेताओं के साथ भी जुडिशरी करे, तभी सही मायने में भारत होगा, नहीं तो ये गुलाम भारत होगा। जितने भी पुराने राजा महाराजा देश भारत में हैं जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बिलोंग करते हैं, उनको पुराने घर में वापस ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे हो रहे हैं और 2025 में हम लोग 25 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे, तब जाकर के इनका जो सपना है फर्जी हिंदू राष्ट्र का उसे रोकने का काम करेंगे और देश को सेकुलर बनाए रखना है, सबका मान सम्मान सुरक्षित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये ठेकेदारी में बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी हो, ये अच्छा मुद्दा है। उच्च न्यायालय में बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी मिले, सही बात है, और चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए, मैं इसका समर्थक हूं। और जितनी भी चीज़ें इसमें मानी गई हैं, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, लगभग हम सभी मुद्दों पर हम मानते हैं। 6 और 8 दिसंबर को ये जो कार्यक्रम हो रहा है न्याय अधिकार महासम्मेलन, मैं अपील करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और मैं स्वयं इस कार्यक्रम में रहूँगा और पूरे देश को बुलाता हूं और कार्यक्रम सफल होगा। रामलीला मैदान दिल्ली में। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।